देश में यादव समाज की समृद्ध सैनिक परंपरा और स्वर्णिम सैन्य इतिहास रहा है। आज इस समुदाय के लोग न सिर्फ खुद प्रगति कर रहे हैं बल्कि देश के विकास में अपनी महती भूमिका भी अदा कर रहे हैं। यादव समाज हमेशा एकजुट होकर एक मिसाल पेश करता रहा है। ऐसी ही एकजुटता दिखी दिल्ली के अलीपुर बलू सपा हायर मोटल एवं रिसोर्ट में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 8 अक्टूबर को आयोजित भव्य बिजनेस सम्मेलन में, जहां पार्टी और पद से ऊपर उठकर यादव समुदाय के लोग जुटे और एक मंच पर साथ बैठे। इस सम्मेलन में यादव समुदाय से जुड़े देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया और यादव समुदाय को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत किए जाने पर गहन मंथन किया। इस खास मौके पर सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर यादव समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हमेशा प्रयोग की धरती है, पॉलिटिशियन हमेशा प्रयोग करता है भारत और वोटर सत्ता के लिए। मुझे दुख है, जसवंत सिन्हा भी, अरुण सोरी भी और मनमोहन सिंह जी तो कहते ही रहे, अमृत सेन तो कहते ही रहे, हार्डवर्क और हार्डवर्क की बात करते रहते हैं। नरेंद्र भाई आप हार्डवर्क करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपसे भी ज़्यादा हार्डवर्क करने वाला बहुत सारे लोग हैं। 50 साल में मैंने भी 2 घंटा नहीं सोया। मुझे पता है कि दुनिया की किसी कोने में जब लोगों को पीड़ा होती है वहाँ कैसे पहुँचना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क की भी भूमिका होगी ना। आप हार्डवर्क वाले को अपना काम करने दो, आप हार्डवर्क करो, कहाँ दिक्कत, बैलेंस होगा ना। विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण नहीं करोगे तो आप कैसे भारत को चेंज करोगे। आप चेंज करना चाहते हो ना, बगैर रोजगार के कैसे, बगैर एजुकेशन के कैसे, बगैर इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स को चेंज किए कैसे, गाय और गंगा पर, पीपल पर, तुलसी पर, जग पर, इन बाबाओं के द्वारा। वहीं सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गिरिराज मंत्री हंस राज अहीर केंद्र सरकार का बचाव करते दिखे और साफ किया कि मोदी सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबके साथ सबका विकास। शौचालय बनेंगे तो सभी जाति के लिए बनेंगे, बैंक लोन मिलेगा तो सभी वर्ग के लिए मिलेगा, हाउस की स्कीम बनेगी, आवास योजना बनेंगे सभी जाति वर्ग के लिए बनेगी। तो इसमें सभी लोगों ने लाभ लेना चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ये कहा कि उसका लाभ लो, सुधे जी यही कहेंगे। तो गाँव में पाठशाला में शिक्षक नहीं है, देश की समस्या है, उसमें सुधार होना चाहिए। और गांव में पीने का पानी नहीं मिलता, देश की समस्या है, पानी मिलना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री सोच विषय में काम कर रहे हैं। और ये समाज के सम्मेलन में ये सारी बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते, हमने ये कहा कि जो भी सरकार कार्यक्रम देती है होता है उसका सभी ने लाभ देना चाहिए और इसीलिए सम्मेलन होना चाहिए, ना कि सम्मेलन एक दिन की क्या दिन से काम नहीं होगा। हमेशा के लिए सर क्या मानते हैं, जिस तरीके सर आप भी हंसराज जी और आप भी हो, सभी यहाँ जाति के और सारे प्रतिपक्ष नेता भी यहाँ पे मौजूद रहे पप्पू यादव, तो ये क्या मानते हैं यूनिटी देखनी चाहिए समाज को जोड़ने के? ये राजनीतिक भाषा नहीं है, सब आदमी ने जहाँ भी जिस दल में काम करता है वहाँ पे जाने के बाद अपने अपने जाति के लोगों के लिए सूचना देनी चाहिए, काम करो। हम लोकसभा के मेंबर हैं, हम जाति के लिए सिर्फ काम नहीं कर सकते, हम सभी जाति के लिए काम करने वाले हमें से हमारे, लेकिन जहाँ जाति का बैनर आता है वहाँ बोलते हैं कि भाई आप भी काम करो, आप भी प्रगति कीजिए, अन्य प्रकार समाज के रूप में आप भी प्रगति कीजिए, ये भावना सर अहिर समाज के लिए वो करेंगे। आपने एक बात उठाई है रेजिमेंट के लिए, सर आप अहिर समाज से है सर, कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अहिर जाति ने सामने आना चाहिए, अहिर रेजिमेंट बनेगा ये मांग चलने दो, लेकिन आज देश को जरूरत है पड़ोसी राष्ट्रों से, इसलिए अनेक हमारे परिवारों ने अपने जवान बच्चों को सेना में, फोर्सेस में, बलों में भेजना चाहिए। वहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच से जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने भी यादव समुदाय के लोगों से तरक्की और विकास के लिए परंपरागत पेशे के साथ साथ बिजनेस में भी आगे आने की वकालत की। जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था वक्त की मांग है। बिल्कुल, यादव समाज के लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है तो निश्चित रूप से यादव समाज के व्यवसायियों को, व्यापारियों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा।
फ्रंट बना है जितना मजबूत, उससे बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी और हेल्प भी मिलेगी, इसलिए ऐसे संस्था की जरूरत है। वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष सुदेश यादव और डायरेक्टर जनरल राजेश यादव ने इस खास मौके पर कहा कि इस सम्मेलन का मकसद देश की भागीदारी से यादव समुदाय को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 125 करोड़ वाले इस देश में 25 करोड़ आबादी यादवों की है और वे देश ही नहीं विदेशों में भी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा 25 करोड़ पॉपुलेशन है और इसमें बहुत लोग गरीबी सबसे ज़्यादा, पिछड़ापन, एजुकेशन और सभी तरह की सबको समाज को गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके बारे में जो अवेयरनेस नहीं है हमारे समाज में उनको दिलाया जाए। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकार भी और हमारी कुछ एम्बेसी या फॉरेन पॉलिसी को वेटे देती है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। कोई राजनीति है हमारी सब पार्टियों से, हमारे समाज का है और समाज का भी ये है। हमारे 25 करोड़ पॉपुलेशन है यादव, 25 करोड़ 125 करोड़ में 25 करोड़ है यादव समाज संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भी देश सारे देश के लिए भी है, 25 करोड़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वहीं आपके विधायक अजेश यादव और नरेश यादव ने कहा कि ये सम्मिलित यादवों के लिए था, लेकिन इस फेडरेशन के जरिए एससी एसटी और ओबीसी को भी समाज में भागीदारी दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस सम्मेलन में केंद्रीय गिरिराज मंत्री हंसराज अहीर, शरद यादव, सांसद पप्पू यादव, सांसद एवं बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद रॉय, आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, आप विधायक अजेश यादव, नरेश यादव और गुलाब सिंह समेत कई बिहार के विधायक और विदेशों से आए कई मशहूर लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।